हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने जावा एप्लीकेशन में लॉगिन सिस्टम कैसे बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे थे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था टेक ब्लॉक। ठीक है, हम लोग एक टेक्निकल ब्लॉगिंग का प्रोजेक्ट बना रहे थे जावा एडवांस को यूज़ करके। दैट मीन्स हमको यूज़ करना था सर्वलेट, जेएसपी और MySQL। ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें प्रोजेक्ट बनाना था। तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे देखिए, मैंने कंप्लीट किए थे 4 वीडियोस। हम लोगों ने सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू की बात की थी, फिर प्रोजेक्ट सेटअप किया था, डेटाबेस सेटअप किया था, डिज़ाइनिंग किया था होम पेज को, लॉगिन पेज को, रजिस्टर पेज को, और हम लोगों ने पूरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाया था विद अजैक्स। ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट है। कौन सा मॉड्यूल कंप्लीट है? ये वाला साइन अप मॉड्यूल कंप्लीट है। आप यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर्स और अपने बारे में कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सिंपली क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो डेटा होगा वो डेटाबेस तक पहुँच जाएगा। इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग अपना कंप्लीट लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे और उसके बाद बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं और हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और पूरा लॉगिन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक जावा एडवांस की सीरीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे देखा नहीं है या फिर गो थ्रू नहीं किया है तो आप जाके इस सीरीज़ को सबसे पहले देखिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए वो सारी चीज़ें आप जाके वॉच करिए। अगर आपको इंटरेस्टेड है किसी दूसरे प्लेलिस्ट में तो हमने यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है। हम लोगों ने पाइथन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप एक बार चैनल पे जाके यूट्यूब पे सर्च करिए यहाँ पे लर्न कोड विद दुर्गेश, लर्न कोड विद दुर्गेश, और आप क्या करेंगे यहाँ हमारे चैनल पे जाइए और चैनल पे आप बहुत सारी सीरीज़ देख सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मैंने डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उसको एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहली चीज़ इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपने जेएसपी पेजेस में एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग एक एरर पेज बनाएंगे सबसे पहला स्टेप। ठीक है, इस पेज को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग बनाएंगे, एक यूज़र डाओ मैंने बनाया था तो उसमें एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड। ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो आर्गुमेंट लेगा, एक स्ट्रिंग यूज़र की ईमेल लेगा और साथ साथ में एक स्ट्रिंग यूज़र का पासवर्ड लेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ लेगा और ये क्या करेगा, डेटाबेस से निकाल के लाएगा आपका यूज़र और आपका यूज़र आपको दे देगा। दैट मीन्स ये यूज़र को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपना लॉगिन सिस्टम कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट्स एंड लॉगिन पेज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हम लोग इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले एरर पेज को बनाते हैं। जब एरर पेज बना लेंगे उसके बाद कहीं भी एरर पेज को यूज़ करना होगा तो हम लोग उसी एरर पेज को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए और एरर पेज को बनाने के लिए आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करिए। ठीक है, और यहाँ पे अपने वेब पेजेस पे राइट क्लिक करिए सिंपली और न्यू पेज आइए और यहाँ पे एक जेएसपी पेज बना लीजिए। तो आपका एरर पेज कहीं रॉकेट साइंस नहीं है, एरर पेज एक सिंपल जेएसपी का पेज होगा। बस उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग इनेबल कर देंगे। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इनेबल कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा एरर पेज बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इस एरर पेज का नाम रखेंगे एरर अंडरस्कोर पेज। ठीक है, और सिंपली देखिए एरर पेज बन गया, यहाँ पे एरर पेज आ चुका है। ठीक है, तो सिंपली हम इस एरर पेज में कुछ डिज़ाइनिंग कर देते हैं और इस एरर पेज को चेक वगैरह भी कर लेंगे अभी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में कुछ चेंजेस करेंगे। टाइटल में लिखेंगे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो टाइटल में सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग दिखेगा। तो एरर पेज को आप ब्राउज़र पे ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको डिज़ाइनिंग पता भी चलती रहे। तो आप सिंपली टेक ब्लॉक पे राइट क्लिक करिए, रन कर दीजिए। अभी तो फिलहाल मैं इस एरर पेज को मैन्युअली ओपन कर ले रहा हूँ, अदरवाइज आपको मैन्युअली नहीं ओपन करना है। ये पेज अपने आप ओपन हो जाएगा जैसे ही आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर आएगी। ठीक है, तो अभी आप खुद को डिज़ाइन करने के लिए, खुद से डिज़ाइन करने के लिए, चेक करने के लिए आप अपने टेक ब्लॉक पे /errorpage.jsp लिख के एंटर करेंगे तो आपका पेज सिंपली यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। और अगर आप यहाँ पे वो टाइटल देखें तो सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इस पेज पे डिज़ाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग
तो फ्रेंड्स डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लाऊंगा हेड सेक्शन के अंदर बूटस्ट्रैप की सीएसएस। तो बूटस्ट्रैप की सीएसएस आपने लगा के रखी है अपने इंडेक्स पेज में, अगर आपको याद हो तो इंडेक्स पेज पे चलते हैं और सीएसएस सारी यहाँ से क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सीएसएस पेस्ट कर देते हैं। और मैं कोई जावास्क्रिप्ट की एज सच कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जावास्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट लाएंगे। अभी फिलहाल छोड़ दीजिए उसको और सिंपली आइए रिफ्रेश करिए, आपको यहाँ पे कुछ फॉन्ट में चेंजेस नज़र आएंगे, इसका मतलब आपका एरर पेज लग चुका है। ठीक है, तो मैं सिंपली एक एरर पेज के लिए आइकन डाउनलोड करूँगा, वही एरर पेज के लिए आइकन यूज़ करूँगा। तो आप गूगल पे आ जाइए और यहाँ पे सर्च करिए फ्लैट आइकन्स। ठीक है, फ्लैट आइकन्स, और सिंपली गूगल फ्लैट आइकन्स का रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। आप सबसे पहली वेबसाइट www.flaticon.com ओपन कर लीजिए, और जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स है और यहाँ पे टाइप करिए आप एरर। ठीक है, एरर, और सिंपली यहाँ से कोई भी आइकन आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ये वाला पेज डाउनलोड कर, ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए PNG या SVG डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं PNG डाउनलोड कर लेता हूँ, PNG डाउनलोड कर लिए कोई इशू नहीं है, SVG भी डाउनलोड कर लिए कोई इशू नहीं, तो मैं PNG डाउनलोड कर दे रहा हूँ सिंपली, और आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए error.png डाउनलोड हो गया, और आप यहाँ पर सो इन फोल्डर कर लीजिए, और जब आप सो इन फोल्डर कर लीजिए तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, और इस PNG error.png को सिंपली राइट क्लिक करिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको कॉपी कर लेंगे उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में ले आइए, और प्रोजेक्ट में देखिए इमेजेस का एक फोल्डर है, इमेजेस का एक फोल्डर है, इस इमेजेस पर राइट क्लिक करिए और सिंपली यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए। तो आपके प्रोजेक्ट में ये वाली इमेज आ चुकी है, बस हमें लगाना है इस इमेज को अपने इस वाले पेज में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए डिफ और क्लास लगा दीजिए कंटेनर क्लास लगा दीजिए, सिंपली कंटेनर क्लास लग गई। और यहाँ पे आप इमेज लगाने के लिए आप लिखेंगे इमेज टैग, तो सिंपली इस तरह लिख दीजिए इमेज, और इमेज में एट्रीब्यूट लगा दीजिए SRC, और यहाँ पे आपको अपनी इमेज का सोर्स देना है, दैट मीन्स पाथ देना है। तो पाथ देखिए हमारी इमेज कहाँ पे रखी हुई है, हमारी इमेज इमेज IMG फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो सबसे पहले आप फोल्डर टाइप करिए IMG। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आई लिख के कंट्रोल स्पेस करता हूँ, फोल्डर बता देगा, उसके बाद आप कंट्रोल स्पेस फिर से दबाइए तो ये बता देगा error.png सजेस्ट कर देगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट को आते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे किस पेज को भाई, यहाँ पे आप फिर से ओपन कर लीजिए error page.jsp। तो आप देखोगे यहाँ पे फोटो लग चुकी है, बस हमें करना क्या है इस फोटो को सेंटर पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और लगा दीजिए यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, और आप सिंपली क्या करिए रिफ्रेश कर दीजिए। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो फोटो देखिए सेंटर पे आ जाएगी, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, तो सिंपली आप इस पहले यहाँ पे कुछ क्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि जब हम इस पेज को मोबाइल पे ओपन करेंगे तो देखेंगे ये रेस्पॉन्सिव नहीं होगा पेज। ठीक है, ये देखिए रेस्पॉन्सिव पेज नहीं है, फोटो हमारी छोटी नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए अपने इमेज टैग के अंदर लगाएंगे क्लास जिसका नाम है इमेज फ्लूइड। ठीक है, इमेज फ्लूइड, और हम सिंपली क्या करेंगे इमेज डैश फ्लूइड है, सिंपली हम इसको रिफ्रेश करेंगे और फिर से छोटी करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार क्या होगा, जैसे जैसे हम छोटा करेंगे तो हमारी फ़ोटो भी उसी के अकॉर्डिंग छोटी होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे और यहाँ पे H3 में लिखते हैं समथिंग, सॉरी पहले लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और डॉट डॉट तीन बार लगा देते हैं और सिंपली इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। इस पर एक क्लास और लगा देते हैं, क्लास जिसको हम दे देंगे display-3। तो ये हल्का सा पतला और फॉन्ट, देखिए फॉन्ट हल्का सा बड़ा हो जाएगा, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं नीचे यहाँ पे एक होम की बटन लगा देते हैं जिससे बंदा होम पे जा पाए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और सिंपली लिखते हैं बटन टैग लगा दीजिए। तो बटन टैग में लिखिए क्लास BTN, और BTN या फिर आप देखिए BTN में क्या करिए यहाँ पे आप प्राइमरी बैकग्राउंड यूज़ करिए, और बटन जो होगी वो लार्ज होगी तो BTN लार्ज यूज़ करिए, और टेक्स्ट इसका वाइट कर दीजिए, और फिर आप यहाँ लिख दीजिए होम। ठीक है, और आप रिफ्रेश करिए तो बटन देखिए आपकी बटन बन जाएगी जिसमें होम लिखा होगा, परफेक्ट। थोड़ा सा इसको मार्जिन देना है, तो इस क्लास पे सिंपली आप लगाइए M मतलब मार्जिन, T मतलब टॉप, डैश
3, ठीक है। तो ये हल्का सा ऊपर से मार्जिन आ जाएगा, देखिए ऊपर से हल्का मार्जिन आ जाएगा। अब हम लोग इस पर क्लिक करने पे इसको भेज देते हैं कहाँ पे भाई, इंडेक्स पेज पे। तो सिंपली हम लोग इस बटन को चेंज करेंगे ए एंकर टैग की, एंकर टैग से यहाँ पे ए कर देंगे और यहाँ पे भी ए कर देंगे, ठीक है। और इसमें एक एट्रीब्यूट और लगाएंगे एचरेफ, और हम लगा देंगे होम पेज मतलब इंडेक्स डॉट जेएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली मैं बताता हूँ शॉर्टकट, इंडेक्स लिखिए कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, परफेक्ट, रिफ्रेश कर दीजिए और जैसे ही कोई आएगा होम पेज पर क्लिक करेगा ये पहुँच जाएगा सीधा आपके इंडेक्स पेज पे, अदरवाइज एरर आएगी तो उसको ये पेज दिखेगा। और हम लोग क्या एरर आ रही है ये भी हम बीच में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एरर को दिखाने के लिए सिंपली होम पेज यहाँ पे आइए और आप लगाइए एक्सप्रेशन टैग, तो जैसा मैं लगा रहा हूँ वैसा एक्सप्रेशन टैग लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्शन, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि ये पेज कब चलेगा जब एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन आएगी वही एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही होगी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमें ओपन नहीं करना, देखिए हमने यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है इसको यूज़ किया है, अगर इसको हटा देंगे तो देखिए पेज चलेगा, इसको हम लगा देंगे तो एरर आएगी क्योंकि अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है, ठीक है। हम लोग जानबूझ के इस पेज को ओपन करते हैं, तो इस पेज को ओपन नहीं करना है, इस पेज को एरर पेज बनाना है। तो यूज़ करेंगे हम पेज डायरेक्टिव पेज को एज अ एरर पेज डिक्लेयर करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ और अच्छे समझनी है तो मैंने यहाँ पर सर्वलेट में, सर्वलेट की सीरीज़ में मैंने क्या किया था आप लोग के लिए एरर पेज का पूरा पूरा वीडियो बना के रखा है कि एरर पेज कैसे जेएसपी में हैंडल करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उस वीडियो को आप एक बार जाके देख लीजिएगा, आप चीज और अच्छे समझ जाओगे एरर पेज कैसे हम लोग अपने जेएसपी इमेज में क्या करते हैं हैंडल करते हैं। देखिए 404 एरर हैंडलिंग पेज, तो इसको जाके देख लीजिए आप अच्छे से समझ जाओगे, ये खुद 33 मिनट की वीडियो है। तो हम लोग आएंगे और अपने इस पेज में देखिए एरर पेज डिक्लेयर करेंगे, तो हम लगाएंगे पेज डायरेक्टिव लेस देन, फिर लगाएंगे परसेंटेज एट द रेट पेज लिखेंगे पेज, और यहां पर लिखेंगे इज एरर पेज, ठीक है इज एरर पेज, और हम इसको ट्रू कर देंगे, दैट्स इट, ये हमारी अब एरर पेज हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पेज को बाय डिफॉल्ट खुद से नहीं चलाना है, इस पेज को ये पेज खुद से चल जाएगा, आपको नहीं चलाना है, इस पेज को सिंपली बंद कर दिए और आ जाइए अपने होम पेज पे। जहाँ जहाँ हम लोग क्या करेंगे उस पेज को यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ अपने आप से ये पेज चल जाएगा। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ या फिर अभी आप खुद से समझ जाएंगे। आप बस इतना समझिए कि आपके प्रोजेक्ट में एक एरर पेज है जिसका नाम है error_page.jsp, उस पेज में एरर की कोडिंग है, जब कोई एरर आएगी प्रोजेक्ट में तो हम लोग वो पेज दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का एरर पेज रेडी है, और हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग बनाते हैं अपना लॉगिन सिस्टम, ठीक है। तो हमारा एक ये वाला काम कंप्लीट हो गया, एरर पेज डिजाइन हो गया, अब बनाते हैं यूजर डाओ के अंदर एक फंक्शन गेट यूजर बाय ईमेल एंड पासवर्ड, जिसके अंदर हम लोग देते हैं एक ईमेल और एक पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने सोर्स पैकेजेस में, यहाँ पे आ जाते हैं डाओ में, और डाओ में एक यूज़र डाओ बना हुआ, सिंपली इसको हम ओपन कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए एक फंक्शन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं गेट यूज़र, कमेंट करके लिख देता हूँ बाय यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे देखिए पब्लिक, जिसमें ये इसका रिटर्न टाइप होगा यूज़र, ये एक यूज़र को रिटर्न कर रहा होगा और इसका नाम होगा गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। बड़ा नाम है बट मीनिंगफुल नेम है, आप भूलोगे नहीं। और ये ले रहा होगा दो पैरामीटर, तो ब्रैकेट में आके दे दीजिए एक स्ट्रिंग, ईमेल भी स्ट्रिंग में होगी और पासवर्ड भी हमारा स्ट्रिंग में होगा, परफेक्ट, ठीक है। और एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आप पहले ही बना लीजिए यूज़र, या स्टार्टिंग में नल रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, और यही नल यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। तो अभी तो फिलहाल नल रखा हुआ है, बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे सारा काम करूँगा और यहाँ पे इस यूज़र में नल की जगह मैं अपना एक यूज़र डाल दूँगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं काम करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक, सिंपली ट्राई और कैच ब्लॉक। तो पहले आप ट्राई लिखिए और कैच लगा दीजिए, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो उसको हैंडल कर लीजिए, दैट मीन्स प्रिंट कर लीजिए कंसोल पे ट्रेस कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही, किसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही। और यहाँ पे हम यूज़र डेटाबेस से फेच करेंगे, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी क्वेरी, तो हम लिखेंगे क्वेरी, और क्वेरी में लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम था यूज़र, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वेयर में आपको ईमेल की वैल्यू देनी है, ये वाली ईमेल जो आ रही है, ठीक है। तो हम इसके जगह क्वेश्चन मार्क लिख देंगे एंड हम लिख देंगे पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंपली।
अब हम लोग का ये क्वेरी फायर करनी है, बट इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये ईमेल होना चाहिए और इस पासवर्ड की जगह ये ईमेल होना चाहिए, तो इन क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज़ को पुट करेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो अभी तक आपने हमारी प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक JDBC की हमने सीरीज़ बनाई है, ठीक है, हमने JDBC की सीरीज़ बनाई है, तो उस सीरीज़ को आप जाके देख लीजिए। ये देखिए JDBC की सीरीज़ है, इसमें मैंने देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट आपको बताया हुआ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट देखिए, इंसर्ट डेटा यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट, गेट डेटा यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें बताया हुआ है मैंने। आप इस वीडियो को सार जाके देख लीजिए, आप समझ जाओगे प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, फिर भी आप इस वीडियो को देखते रहिए, चीज़ें समझ जाओगे। तो हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT और क्लिक इक्वल टू, हम अपने कौन से बोलेंगे कि भैया कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस क्वेरी को लेगा और प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना देगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेरी। दैट मीन्स अभी तक प्रिपेयर स्टेटमेंट के पास जो क्वेरी है वो इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट करने के लिए हम प्रिपेयर स्टेटमेंट से बोलेंगे PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क पे एक स्ट्रिंग आएगी। तो हम लिखेंगे किस क्वेश्चन मार्क की पोजीशन, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के पास जाना ईमेल, दैट मीन्स ये वाली ईमेल, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे PSTMT डॉट, PSTMT से बोलेंगे हम कि भैया सेट स्ट्रिंग, और हम कहेंगे दूसरे क्वेश्चन मार्क पे हमें ले जाना है पासवर्ड। बस जब आप इतना काम हो जाएगा तो आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप क्वेरी को क्या कर सकते हो, सिंपली फायर कर सकते हो। तो हम क्वेरी को फायर करने के लिए लिखेंगे PSTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। जैसे आप एग्जीक्यूट क्वेरी करोगे तो डेटा आपका आ जाएगा रिजल्ट सेट के फॉर्म में, रिजल्ट सेट के फॉर्म में, ठीक है, सेट रिजल्ट सेट के फॉर्म में डेटा आ गया। अब आपका पूरा डेटा इस सेट में रखा हुआ है, तो हम सेट से डेटा निकालेंगे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ही यूज़र, तो मैं वाइल नहीं लगाऊंगा, सिंपली मैं इफ़ लगा दूंगा और मैं बोलूँगा अगर सेट डॉट नेक्स्ट है, अगर एक भी रो है तो यहाँ पे मैं सारा डेटा निकाल लूँगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं चला तो बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र में तो नल जाएगा ही जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से नल रिटर्न होगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू ही, उस केस में मैं एक यूज़र बनाऊंगा न्यू और आपने पुराने वाले वेरिएबल में रख दूंगा, दैट मीन्स एक नया यूज़र मैंने बनाया और इस यूज़र में मैंने रख दिया, दैट मीन्स यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बन गया और मैं क्या करूँगा, एक एक वैल्यू निकालूंगा और इस यूज़र में सेट करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, देखिए मैं यूज़र में सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले नेम निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि नेम निकालेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी टेबल के कॉलम्स की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे और आसानी से समझ में आ जाए। तो सिंपली मैं आपको डेटाबेस ओपन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं ओपन कर दिया भाई, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरा सिस्टम स्लो है और मे बी आपका भी सिस्टम स्लो, तो इसीलिए वेट करिए और कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए तब तक भाई। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे फायर हो चुका है, फायर अप। मैं क्या करता हूँ, अपना टेक ब्लॉक सिंपली ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लीजिए। यूज़र ये टेबल थी, राइट क्लिक करिए, सिंपली ओपन टेबल कर लीजिए। तो देखिए आपके सारे कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, नेम कॉलम, तो मुझे नेम निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, देखिए सेट से बोलूँगा सेट डॉट गेट, नेम किस टाइप का था, स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पर कॉलम का नाम लिख देंगे। तो हमारा नाम जो यूज़र से आ रहा होगा यहाँ पे, जिस भी यूज़र का होगा वो इस नेम में आ जाएगा, और मैं क्या करूँगा, इस नेम को उठा के इस यूज़र के अंदर रख दूंगा। तो मैं लिखूँगा यूज़र डॉट सेट नेम और मैं अपना नेम पास कर दूंगा सिंपली। बस डेटाबेस से आपने निकाला है, ये आपने डेटाबेस से निकाला है डेटा फ्रॉम DB, ठीक है, और आपने ये क्या किया है, ये सेट किया है टू यूज़र ऑब्जेक्ट, आपने यूज़र ऑब्जेक्ट में उसका नाम सेट कर दिया, दैट मीन्स जो डेटा आपने निकाला वो इस यूज़र के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो हम यूज़र को बाद में यूज़ करेंगे। इसी तरह अब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब हम लोग जैसे ID सेट करनी है तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट सेट ID, और अब हम लोग डायरेक्ट अलग नहीं करेंगे, ये चीज़ इसी के अंदर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे सेट डॉट गेट इंट और हम इसके अंदर ID पास कर देंगे, परफेक्ट। यूज़र देखिए ये क्या करेगा, डेटा निकालेगा और जो निकालेगा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, सपोज 12, और 12 सेट हो जाएगा आपके यूज़र के अंदर, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर हम लिखेंगे यूज़र डॉट सेट ईमेल, और ईमेल के अंदर सिंपली आप लिखिए सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में पास कर दीजिए ईमेल, ठीक है। तो आपकी ईमेल आएगी और यहाँ पे
ईमेल आएगी और यहाँ पे सिंपली आ जाएगी आपके इस यूज़र के अंदर। फिर आप पासवर्ड के लिए ऐसे ही कर दीजिए, तो यूज़र डॉट पासवर्ड निकालने का कोई मतलब ही नहीं, बट फिर भी आप कर लीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा, सर्च तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप सिंपली क्या करिए, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड और यहाँ पे लिखिए सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए पासवर्ड। तो आपके पास देखिए चार कॉलम हो गए, नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड। तो देखिए नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, अब बचा जेंडर, अबाउट एंड आर डेट। ठीक है, तो जेंडर यूज़र डॉट सेट जेंडर, सेट जेंडर और आप इसके अंदर सेट जेंडर, नॉट गेट, सेट जेंडर, सेट जेंडर और आप इसके अंदर लिखिए सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, जो जेंडर होगा वो भी स्ट्रिंग का होगा और इसके अंदर आप कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम जेंडर था, ये देखिए जेंडर था तो मैंने जेंडर लिख दिया। उसके बाद अबाउट क्लिक कर लेते हैं, तो सिंपली आप यूज़र डॉट सेट अबाउट और यहाँ पे लिखिए सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे सिंपली आप अबाउट पास कर दीजिए। ठीक है, लास्ट आर डेट, तो आर डेट में थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए आप लिखिए यूज़र डॉट सेट और सेट डेट टाइम, देखिए सेट डेट टाइम और इसको चाहिए टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखिए सेट डॉट गेट टाइम स्टैम्प। ठीक है, क्योंकि जो डेटा वहाँ था वो टाइम स्टैम्प टाइप का था और यहाँ पे लिखिए आर डेट कॉलम का नाम। ठीक है, देखिए आर डेट कॉलम का नाम, बस आपका एक एक डेटा डेटाबेस से आता गया और इस यूज़र में आ गया है और ये यूज़र यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो आप जहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे आपको एक यूज़र मिलेगा और उस यूज़र के अंदर पूरा डेटा रखा होगा, इस ईमेल और इस पासवर्ड का पूरा डेटा वहाँ पे सिंपली रखा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं प्रोफाइल डिटेल तो ली नहीं है यूज़र की, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉलम इसमें ऐड कर सकता हूँ प्रोफाइल की। ठीक है, किसकी, प्रोफाइल की, क्योंकि मुझे बाद में अपडेट कराना होगा प्रोफाइल। ठीक है, तो मैं सिंपली यूज़र पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑल्टर टेबल कर दीजिए और एक कॉलम यहाँ पे और ऐड कर दीजिए प्रोफाइल का। ठीक है, प्रोफाइल और यहाँ पे इसको वायर कैरी कर दीजिए, वायर कैर और वायर कैर की लेंथ कर दे 100, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल का नाम स्टोर करने वाला हूँ और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप ऐसे डाल दीजिए डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी। ठीक है, एक फ़ोटो का मैंने सिंपली नाम डाल दिया डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी और इसको नल रहने दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप सेव कर दोगे तो सारे कॉलम का जो नाम होगा वो देखिए आ गया होगा नल। ठीक है, तो सबकी प्रोफाइल जो होगी वो हो गई होगी, क्या भाई सबकी प्रोफाइल हो गई, देखिए डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी, डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी, डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपने ये काम किया तो आपको एक प्रॉपर्टी और बढ़ानी पड़ेगी यूज़र के अंदर, तो सिंपली आते हैं इस प्रॉपर्टी को भी बढ़ा देते हैं। देखिए आ जाइए अपने एंटिटीज़ के अंदर और यहाँ पे यूज़र के अंदर आ जाइए और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दीजिए स्ट्रिंग प्रोफाइल। ठीक है, और ये प्रोफाइल का सिंपली नाम होगा, फोटो का नाम होगा और आप क्या करिए कि इसका गेटर एंड सेटर भी बना दीजिए, क्या बना दीजिए, इसका गेटर एंड सेटर भी बना दीजिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ भाई, देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे आता हूँ और सिंपली ऑल्ट इंसर्ट करता हूँ और देखिए गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, तो अब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कहाँ डाल देंगे, इसको कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, बट अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आएंगे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर और बना लेंगे, या तो हम क्या करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में किसी ऐड कर देंगे, क्योंकि भाई कोडिंग हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हम ही करना है, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे यूज़र डाओ में और प्रोफाइल फ़ोटो भी यहाँ पर निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट सेट प्रोफाइल और प्रोफाइल में हम लोग क्या करेंगे सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और हम डाल देंगे प्रोफाइल का नाम प्रोफाइल, परफेक्ट। तो यहाँ पे यूज़र के प्रोफाइल में डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी भी आ जाएगी, लास्ट में जो था डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी। ठीक है, तो प्रोफाइल का नाम मतलब प्रोफाइल फोटो का नाम है डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी, परफेक्ट। अब हमारा ये काम हो गया, दैट मीन्स हमारे इस डाओ में दो फंक्शन बन गए। एक फंक्शन क्या कर रहा होगा हमारा, देखिए एक फंक्शन यूज़र को सेव कर रहा होगा, वो यूज़र जो आप पास करोगे यहाँ पे, एक फंक्शन क्या कर रहा होगा यूज़र को गेट कर रहा होगा, अगर हम उसका ईमेल यूज़र का दे दें, पासवर्ड दे दें, तो ये उसे गेट करके ले आएगा। एक बार आप और समझ लीजिए, क्वेरी बनी, क्वेरी में क्वेश्चन मार्क सीजगा, हमने डेटा प्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीएसटीएमटी, उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया क्वेरी, सेट से डेटा निकाल निकाल के मैंने यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में डाल दिया है, इसके अंदर सारा डेटा रखा हुआ है, फिर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो गया। अब बात करते हैं कि हम
तीसरा पॉइंट, लॉगिन सिस्टम बनाते कैसे हैं, मुश्किल से थोड़ा सा टाइम और लगेगा ये चीज़ समझने के लिए। तो सिंपली लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने सबसे पहले लॉगिन आप करोगे कहाँ से, ठीक है, तो लॉगिन आप करोगे इस लॉगिन पेज से। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के एंटर करोगे, ईमेल आईडी पासवर्ड दे के एंटर करोगे, हमने कहा gmail.com, और सिंपली यहाँ पे आपने पासवर्ड दे दिया, जैसे ही आप सबमिट करोगे हम क्या करेंगे, हम लोग आपको सेंड कर देंगे ये पूरा पूरा फॉर्म सेंड कर देंगे एक लॉगिन सर्वलेट पे। किस पे, एक लॉगिन सर्वलेट पे। तो हम लोग बना लेते हैं एक लॉगिन सर्वलेट, ठीक है, तो हम सर्वलेट्स में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे, यहाँ पे बना लेते हैं सर्वलेट जिसका नाम देते हैं लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट एंटर कर दीजिए, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो ये हमारा लॉगिन सर्वलेट है, हम लोग को काम यहाँ पे करना है, कहाँ पे भाई काम करना है, यहाँ पे काम करना है, कौन सा काम करना है, पूरा लॉगिन करवाना है, ठीक है, लॉगिन करवाना है, करते हैं भाई, परफेक्ट, बस देखते रहिए। तो हम लोग आते हैं अपने फॉर्म को करेक्ट पेज पे भेजते हैं, तो हमारा जो ये वाला पेज है जिसका नाम है लॉगिन पेज, लॉगिन अंडरस्कोर पेज डॉट जेएसपी, तो हम लोग ओपन कर लेंगे अपने लॉगिन अंडरस्कोर पेज डॉट जेएसपी को, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया और हमारा ये फॉर्म है। तो हम इस फॉर्म को भेजेंगे लॉगिन सर्वलेट पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शन और एक्शन में लिख देंगे अपने सर्वलेट का URL पैटर्न, तो सर्वलेट का URL पैटर्न है लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट, परफेक्ट, और इसका मेथड दे देंगे हम पोस्ट, परफेक्ट, और हम लोग आएंगे फील्ड का नाम भी कुछ चेंज करेंगे, देखिए इनपुट टाइप ईमेल है, परफेक्ट, और देखिए कंट्रोल लगा हुआ है, आईडी लगी हुई है, प्लेस होल्डर लगा हुआ है, ठीक है, दो चीज़ मैं यहाँ पे दे दूंगा, सबसे पहले इस फील्ड का डेटा फेच करने के लिए इसका नाम दे दूंगा ईमेल, और एक रिक्वायर्ड दे दूंगा, रिक्वायर्ड का मतलब आप एम्प्टी इसको नहीं सेंड कर सकते, ठीक है, और पासवर्ड के लिए भी मैं क्या करूँगा, इसका भी एक नाम दे दूंगा पासवर्ड, जिससे मैं डेटा फेच कर पाऊँ सर्वलेट पे, और इसमें भी रिक्वायर्ड में मैं नल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे दूंगा जिससे आप एम्प्टी ना सेट कर पाओ। नेक्स्ट चीज़ मैं ये चेकबॉक्स को हटा देता हूँ, चेकबॉक्स की मुझे फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। इस बटन को मैं सेंटर पे ला रहा हूँ, तो इस बटन को सेंटर पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस बटन को रख दूँगा एक डिव क्लास कंटेनर के अंदर, कंटेनर मेरा बहुत फेवरेट एलिमेंट है, क्लास है, और मैं इस डिव में बहुत सारे लोगों को रखता हूँ, ठीक है, जिसको भी सेंटर करना होता है, और इस कंटेनर में सिंपली लगा दीजिए टेक्स्ट सेंटर, और आप सेव करके आके रिफ्रेश कर दीजिए, बटन ऑटोमेटिक सेंटर पे हो जाएगी, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जैसे आप सबमिट करोगे, मैं नाम आपको सबमिट करके दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे अपनी ईमेल पासवर्ड डाल के एंटर करोगे लॉगिन सर्वलेट चल जाएगा, देखिए लॉगिन सर्वलेट चल गया, बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने कुछ कोड नहीं किया है। तो अब लोग आते हैं लॉगिन सर्वलेट पे, और यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड फेच करते हैं, तो सिंपली मैं कमेंट करके लिख देता हूँ फेच यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट से कैसे फेच करेंगे, देखिए एक वेरिएबल ले लीजिए सिंपली, सबसे पहले आप स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू, और लिखें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट, तो स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख के लिखेंगे, डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे अपने फील्ड का नाम दे दीजिए। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, लॉगिन पेज पे जाइए, और इस फील्ड का नाम ईमेल था, तो यहाँ पे आप दे दीजिए ईमेल। इसी तरह पासवर्ड के लिए भी भाई बना लीजिए स्ट्रिंग यूज़र पासवर्ड, तो लिखिए यूज़र, और यहाँ पे लिखे पासवर्ड कैमल केस, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और आप यहाँ पे दे दीजिए पासवर्ड के लिए, शायद पासवर्ड था, तो शायद की बात नहीं है, शायद पे भरोसा मत करिए, आप जाइए लॉगिन पेज पे और सिंपली यहाँ पे क्या करिए, नेम देख लीजिए, पासवर्ड, यही नाम आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ भी मैं नेम को भी कैमल केस यूज़ करूँगा, तो देखिए यूज़र नेम यूज़र पासवर्ड, सिंपली आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया है। अब अगर ईमेल आईडी पासवर्ड आ गया तो आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा बंदा यूज़र है, ऐसा यूज़र है, सॉरी ये नेम नहीं होगा, ये ईमेल होगा, ठीक है, यूज़र ईमेल, तो आपको ये चेक करना है क्या कोई बंदा डेटाबेस में ऐसा है जिसका यूज़र आईडी ईमेल आईडी ये है जो आ रहा है और पासवर्ड ये आ रहा है, तो ये मुझे कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा यूज़र डाओ, यूज़र डाओ के पास एक फंक्शन है गेट
ये देखिए, गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड, ये फंक्शन अगर नल रिटर्न कर दिया, इसका मतलब डेटाबेस में कोई बंदा नहीं है। ये फंक्शन अगर नल नहीं रिटर्न करेगा, यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दैट मीन्स डेटाबेस में बंदा है। तो इसको कॉल करते हैं, और इसको कॉल करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यूज़र डाओ का ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, डाओ इज इक्वल टू न्यू यूज़र डाओ, सिंपल। और डाओ को देना है कनेक्शन, तो कनेक्शन प्रोवाइडर आप मांग लीजिए कनेक्शन प्रोवाइडर से डॉट गेट कनेक्शन। अब किसी को अगर लग रहा है कि भाई मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर कैसे यूज़ किया, अगर लग रहा है तो आप सिंपली क्या करिए, मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखिए डेटाबेस सेटअप में, उसमें हम लोगों ने ये क्लास लिखा था, ये क्लास रखी हुई हमारी हेल्पर में, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला वीडियो आपको कहाँ पे मिल पाएगा। तो बस सिम वेट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस सेटअप, जिसमें मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर लिखना आपको सिखाया था। तो सबसे नीचे आ जाएंगे, और प्रोजेक्ट का वो था डेटाबेस सेटअप वाला सेकेंड वीडियो, ठीक है, पार्ट टू। तो इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये क्लास मैंने किस तरह लिखा था, और इसको हम लोग कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने लॉगिन सर्वलेट पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यूज़र डाओ का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये ऑब्जेक्ट मैंने, ये इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे कनेक्शन पास कर दिया। आप सिंपली आप क्या करो, इस डाओ पे कॉल कर लो गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड, और अपना यूज़र ईमेल एंड अपना यूज़र पासवर्ड पास कर दो। ये आपको रिटर्न कर देगा एक सिंपली यूज़र, तो यूज़र वेरिएबल में उसे क्या करना है, आपको स्टोर करना है यू। अब आपको पता चल जाएगा, अगर ध्यान से देखो, अगर इफ़ यू की वैल्यू इन केस नल आ गई, दैट मीन्स कोई बंदा नहीं है और लॉगिन एरर है, लॉगिन एरर दैट मीन्स या तो यूज़र का पासवर्ड गलत है या तो उसका ईमेल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन एरर मैसेज दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, लॉगिन एरर मैसेज। एल्स कुछ ना कुछ तो यूज़र में है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यूज़र में है। इन केस अगर लॉगिन सक्सेस हो गया, लॉगिन सक्सेस हो गया, और लॉगिन सक्सेस हो गया तो करना क्या है, लॉगिन सक्सेस हो गया तो मैं क्या करूँगा, सेशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, सेशन का एक ऑब्जेक्ट होता है जो जब तक ब्राउज़र नहीं बंद होगा तब तक वो सेशन का ऑब्जेक्ट मैनेज होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा पूरा यूज़र सेशन में स्टोर कर दूँगा, किस में स्टोर कर दूँगा, सेशन में स्टोर कर दूँगा, और वो सेशन तब तक रहेगा जब तक ब्राउज़र लॉगिन है, सॉरी जब तक यूज़र लॉगिन है, या तो अगर यूज़र उस ब्राउज़र को बंद कर देगा तब भी वो लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेशन यूज़ करने वाला हूँ लॉगिन लॉग आउट को बनाने के लिए। अगर आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनानी है तो आप यहाँ पे कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने सेशन में सेट करने जा रहा हूँ, क्या भाई, सेशन में सेट करने जा रहा हूँ ये वाला यूज़र। तो सिंपली देखिए, सबसे पहले आप सेशन वेरिएबल गेट कर लीजिए, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए HTTP सेशन, और यहाँ लिखिए एस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट से बोलिए डॉट गेट सेशन, तो आपको वो सेशन का ऑब्जेक्ट दे देगा, सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आप ये यूज़र उठा के सेशन के ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए, तो आप लिखिए एस डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में लिखिए करंट यूज़र, और करंट यूज़र में ये देखिए यू का ऑब्जेक्ट अपने आप आ गया। बस अब आप इसको रिडायरेक्ट कर दिए किस पे, प्रोफाइल पेज पे, जिस पे प्रोफाइल सारा आप दिखा रहे यूज़र की, तो हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और हम एक पेज अभी बनाने वाले हैं जिसका नाम है प्रोफाइल डॉट जीएसपी पेज, सिंपली प्रोफाइल डॉट जीएसपी पेज। तो अगर लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो वो जाएगा प्रोफाइल डॉट जीएसपी पे, अगर लॉगिन में एरर आ जाएगा तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने जा रहे हैं आउट डॉट प्रिंट एलन, और लिख देंगे इनवैलिड डिटेल्स ट्राई अगेन, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर लॉगिन प्रोफाइल डॉट जेएसपी ओपन हो गया, सिंपली इसका मतलब हमारा बंदा लॉगिन हो चुका है, ठीक है, और सेशन में वैल्यू जा चुकी है। जब तक सेशन में वैल्यू रहेगी तब तक बंदा लॉगिन होगा। अब हम इस पेज को चलाते हैं, और चलाने के बाद हम लोग लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लॉगिन पे, और पहले गलत डिटेल डालते हैं, तो हम लिखेंगे देखिए ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ भी हम लिख देंगे ऐसे ही कोई पासवर्ड दे देंगे, और हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। देखिए लॉगिन कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख रहा है इनवैलिड डिटेल्स ट्राई अगेन, इसका मतलब आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड डाला वो गलत है, इन द सेंस गलत है, तो हम ट्राई अगेन दोबारा करेंगे, और इस बार मैं सही यूज़र नेम पासवर्ड डालने वाला हूँ। तो मैं अपना देखिए डेटाबेस ओपन करूँगा, और यहाँ पे ब्राउज़र में मैं देखूँगा ईमेल मेरी ये थी और पासवर्ड दुर्गेश था, ठीक है। तो हम लोग आएंगे और ईमेल सही डालेंगे, पासवर्ड भी सही डालेंगे, और हम क्या करेंगे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन होगा आपका प्रोफाइल पेज, क्या ओपन होगा आपका प्रोफाइल पेज ओपन होगा, ठीक है। अगर आप देखो 404 नॉट फाउंड आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप URL देखो तो यहाँ पे profile.jsp है, ये हुआ यही, profile.jsp कैसे ओपन होगा, देखो
यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं हो गया, यहाँ पे जैसे लॉगिन सर्वर चला, अब आपका पासवर्ड और ईमेल पासवर्ड सही था तो यहाँ पे कोई डेटा आया, और ये इफ़ कंडीशन नहीं चली, दैट मीन्स ये इफ़ कंडीशन चली तो सेशन का ऑब्जेक्ट निकला, सेशन में यूज़र सेट हो गया और प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो गया, दैट मीन्स प्रोफाइल पेज ओपन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोफाइल पेज बना लेते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आइए प्रोजेक्ट पर और वेब पेजेस पर राइट क्लिक करिए न्यू, और यहाँ पर एक JSP बनाइए जिसका नाम प्रोफाइल दे दीजिए, तो प्रोफाइल और .jsp लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी JSP लग गया है यहाँ पे। इस पेज पे रिडायरेक्शन हो रहा है, तो इस पेज पे रिडायरेक्शन हो रहा है कैसे चेक करेंगे कि भाई यूज़र लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सिंपली आप क्या करिए यहाँ पे आइए और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जावा का टैग जिसको हम बोलेंगे स्क्रिप्टलेट टैग, और जो यूज़र आप यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट पे सेट कर रहे थे इस सेशन में, मैं यहाँ पे उसी यूज़र को फेच करूँगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा यूज़र और सेशन से वैल्यू निकालने के लिए, अब इसमें गेट सेशन नहीं करना क्योंकि ये JSP और JSP में ऑलरेडी सेशन प्रोवाइडेड होता है, तो आप लिखिए सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट और आप वही की पास करिए जो आपने वहाँ पे पास किया था लॉगिन में। तो लॉगिन में देखिए मैंने पास किया था करंट यूज़र, तो मैं यहाँ प्रोफाइल में भी क्या पास कर दूंगा, करंट यूज़र, और इसको टाइपकास्ट कर दूंगा यूज़र के ऑब्जेक्ट में, किसके ऑब्जेक्ट में, यूज़र के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लूँगा, क्या चेक कर लूँगा, मैं लगाऊँगा इफ़ अगर लिखूँगा यूज़र की वैल्यू मुझे नल मिलती है, इसका मतलब कोई भी लॉगिन नहीं है, और मैं सिंपली इसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट किस पेज पे, लॉगिन डॉट JSP। अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, दैट मीन्स यूज़र है, और यूज़र है तो ये सब पेज चलेगा, अदरवाइज ये रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पे, लॉगिन पेज पे सिंपली। और यहाँ पे एरर भी बता दीजिए कि अगर कोई एरर आएगी, इन केस एरर आ जाती है, बहुत सारी एरर आती है, तो आप एरर पेज चलाओगे एरर पेज को, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं अपने यूज़र को, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट गेट नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र डॉट गेट ईमेल, कौन सा बंदा लॉगिन है उसका ईमेल भी ले लेते हैं, गेट ईमेल, और कौन सा बंदा लॉगिन है उसका अबाउट भी ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट गेट अबाउट, परफेक्ट, ठीक है, गेट अबाउट भी आ गया, देखिए नेम भी आ गया, ईमेल आ गया, अबाउट आ गया, और सबके नीचे आप BR ज़रूर लगाइए, भूलिए मत भाई, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगी आपकी, परफेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए पेज को रिफ्रेश करिए, जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कौन सा बंदा लॉगिन है, ये दिख रहा है भाई, कौन सा बंदा लॉगिन है, दुर्गेश, दिस, ठीक है, दैट मीन्स लॉगिन है प्रोफाइल पेज पे। अगर आप इसको देखिए ले चलते हैं यहाँ पे दूसरे पे, तब भी आपको देखिए यही बंदा दिखेगा, अगर ये आप इनकॉग्निटो पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, जैसे लॉगिन नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे कोई एरर आ गई, लॉगिन डॉट JSP बता रहा है नहीं मिला, तो अब ऐसी बात है लॉगिन डॉट JSP हमारे पास नहीं, लॉगिन अंडरस्कोर डॉट JSP है, तो यहाँ पे जो रीडायरेक्ट आप लॉगिन पेज पे कर रहे थे लॉगिन डॉट JSP, यहाँ पे लॉगिन पेज पे कर दीजिए, और आइए आप फिर से यही वाला URL ओपन करने की कोशिश करिए, प्रोफाइल पेज, जैसे एंटर करेंगे तो देखिए ये ले जाएगा आपको लॉगिन पेज पे, और ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि आप अभी लॉगिन नहीं हो। अगर आप लॉगिन कर देते हो बाई चांस, सपोज देखिए मैं लॉगिन कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ अपनी ईमेल ID और अपना पासवर्ड और सबमिट कर देता हूँ, अगर मैं सबमिट करूँगा तो देखिए लॉगिन हो गया। अब लॉगिन वाला URL आप किसी भी टैब में ओपन कर सकते हो जब तक आप लॉग आउट नहीं कर देते हो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लॉगिन पेज। अब हम लोग को करना क्या है, सिंपली इस पेज पे डिज़ाइनिंग करनी है और हम लोग को एक लॉग आउट की बटन बनानी है जिससे आप लॉग आउट भी कर सको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या भाई, कि अगर कोई बंदा लॉगिन करता है इनकेस आपकी वेबसाइट से, अगर कोई भी लॉगिन करता है इनकेस, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, इनकेस अगर कोई बंदा आता है लॉगिन करता है, तो जैसे मान लो मैंने लॉगिन किया, और अगर मैंने लॉगिन किया सबमिट किया, तो अगर सारी चीज़ें सही हैं उस केस में हमें ये डिटेल जो मिल रही है हमें बढ़िया सा नेबार में दिखे, बढ़िया सा नेबार में दिखे, लॉगआउट बटन दिखे, और थोड़ी बहुत यहाँ पे डिज़ाइनिंग दिखे अच्छी सी, सारी चीज़ें बंदा लॉगआउट कर सके, उसके बाद पोस्ट वोस्ट कर सके, जितने उसने पोस्ट किए हैं वो सारी चीज़ें दिखें, सब कुछ यहाँ पर दिख पाएँ। तो ये लोग ये चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने के वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इस प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं और लॉगआउट को बनाने वाले हैं, जिससे होगा क्या कि हमारा पूरा लॉगिन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करिए, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और लॉगिन सिस्टम समझाऊंगा कि कैसे मैंने लॉगिन किया है। एक बार फिर भी मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। लॉगिन सिंपली हुआ क्या है कि मैं जैसे लॉगिन सर्वलेट पे जा रहा हूँ, लॉगिन सर्वलेट पे जैसे ही जा रहा हूँ और अगर लॉगिन सर्वलेट पे डिटेल सही है, उस केस में मैं सेशन के ऑब्जेक्ट में उसका डेटा रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से डेटा जैसे ही डाई होगा, एक्सपायर होगा या फिर हटेगा, एट्रीब्यूट हटा देंगे हम लोग या कैसे भी इनवैलिडेट होगा, तो हम लोग उसको लॉग आउट कर देंगे। तो जिस जिस प्रोफाइल पेज पे हम लोग जाएंगे, जैसे मैं प्रोफाइल पेज पे यहाँ पे आया था तो मैंने सबसे पहले यही चेक किया कि क्या सेशन में कोई एट्रीब्यूट है करंट यूज़र। अगर करंट यूज़र एट्रीब्यूट है तो मैंने यहाँ पे ये सारा काम किया है। अगर नल मिल जाता है, इसका मतलब एट्रीब्यूट नहीं है, तो मैंने इसको लॉगिन पेज पे भेज दिया। यही वाली कंडीशन अगर एडमिन मतलब यूज़र से रिस्ट्रिक्ट करना है कि नॉर्मल सब लोग ना देख पाएँ, जो लॉगिन हो वही देख पाए वो पेज, तो आप इस वाली चीज़ को सब पेज पे लगाते रहोगे। ये यही चेक कर रहा है कि सेशन में अगर डेटा है तो लॉगिन है, अगर डेटा नहीं है तो लॉगिन नहीं है, हो जाएगा लॉगिन पेज पे सिंपली। तो आप बार बार वीडियो देखिए, बट ये सिस्टम बना लीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग अपना प्रोफाइल पेज अच्छे से डिज़ाइन करेंगे और एक ये एरर आ रही उसको भी हम लोग अपने इस वाले पेज पे दिखाएंगे। किस वाले पेज पे दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाएंगे इनवैलिड डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए लोगों के बीच में। इतने सारे हमारे यहाँ पे वीडियोज़ हो गए जिसे लोग भी समझ पाएँ और देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।